अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक्ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देर आर सेवरल आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड डिफरेंट ज्योग्राफीज। लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। सो वी केप्ट ऑन री इन्वेंटिंग द व्हील। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना होवे तां ज्ञान दा तबादला। आपस दे विच सियाने कहिंदे कि चंगी चीज़ जित्थों भी मिले सीख लेनी चाहिए है, हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए है, सीखने लई तैयार। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे, और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब में 19,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और 23 लाख के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पर 18 लाख बच्चे हैं 1,000 से 1,100 स्कूलों में। तो हमारे पास स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। हम बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने ऐसा किया कि पंजाब जो है उसको नज़र लग गई, और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं एमपीलैड से कोरोना के समय वेंटिलेटर देता था तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं एसी और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जी कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो एनेस्थीजिया का चाहिए एक, उसके लिए वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर ऑपरेटर डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ आके देखा कैसे 12-12 ऑपरेशन थिएटर्स एक लाइन में, कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम गए थे, कैसे जनरल वार्ड जो है वो आईसीयू से भी बढ़िया बना रखा है,
कोई भी आके वहां जो है इलाज करवा सकता है। और किसी हॉस्पिटल से, हम दो तीन हॉस्पिटल में गए थे, मतलब आमतौर पे आप हॉस्पिटल में जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में तो दवाई की वो आती है सुगंध, कुछ आपको सरकारी हॉस्पिटल पंजाब में तो जो एमआरआई मशीनें हैं उनमें कबूतरों के घोंसले भी हैं, नहीं ध्यान दिया गया। ऐसे स्कूल हैं, स्कूलों को बाहर से बहुत चमका दिया गया और लिख दिया गया स्मार्ट स्कूल। बाहर से रंग करने से स्कूल स्मार्ट नहीं बनेगा, अंदर क्या सीख के आ रहे हैं बच्चे, हम इस पे ध्यान देंगे। क्योंकि कैंसर पर आयोडेक्स लगाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए तो कीमोथेरेपी चाहिए। तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा प्रायोरिटी है, दिल्ली सरकार का भी, और हमने वादा किया जो पंजाब में उसमें भी। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, और नॉलेज लेने के लिए कुछ हमारे जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं पंजाब सरकार ने पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, ये तो जी पता नहीं क्या हो गया। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। खेती में खेती पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रीरियन स्टेट है, जो हम खेती में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ से खेती मंत्री या खेती के जो ऑफिसर्स हैं वो पंजाब आ सकते हैं, वो वहाँ से सीख कर दिल्ली में लागू कर सकते हैं। और इसके लिए सीखने के लिए कोई अच्छी चीज, हमें इटली भी जाना पड़े जाएंगे, हमें किसी और स्टेट में जाना पड़े जाएंगे, किसी और को आना पड़े आएंगे। सिंगापुर की कोलैबोरेशन से बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में, हमारे टीचर्स को फिनलैंड, दिल्ली के फिनलैंड और कैम्ब्रिज भेजा गया सीखने के लिए, और उन्होंने आके यहाँ पे ऐसा कमाल के आइडियाज़ दिए, फुल ऑफ आइडियाज़ वहाँ से लेके, वो फुल ऑफ आइडियाज़ होके वहाँ से लैस होके आए और यहाँ के स्कूलों का कायापलट कर दिया। तो हमारा मकसद है पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना। हम भी कल हम गए स्कूल में, पूछा बच्चों से क्या बनना है, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनना है, कोई मैं कह रहा है मैं जेई करूँगा, कोई कहता है मैं नीट में जाऊँगा, एक लड़की ने कहा मैं तो एनडीए में जाऊंगी, बड़ा अच्छा लगा। और एनडीए के लिए पंजाब जाना जाता था पहले, कि हमारे बहुत से जो जर्नैल, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े जो फौज में ऑफिसर्स पंजाब के थे। तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, हमें कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस नहीं बनाना, हमें तो पंजाब ही वापस हो जाए हमारा, जो हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े करदा मेलियां च जांदा, किसान खुश। आज किसान खुदकुशी कर रहा है पंजाब का, किसी को यकीन ही नहीं होता कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, नाम का किया ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, कर्जई हो गया किसान। हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, हमारा वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स लेके आ रहे हैं। कल मैं पावर मिनिस्टर को मिला था, तो फसलों का विभिन्नता लाएंगे, और फसलें बीजेंगे जो पानी कम जिसमें वो इस्तेमाल होता हो। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, जब 2015 में ओथ ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली थी दिल्ली में, आज देश में सबसे ज़्यादा सस्ती है, और प्राइवेट कंपनियां हैं। हमारे यहाँ तो बिजली बनती है, दिल्ली तो बिजली बनाती भी नहीं है, तो कैसे किया, इसके लिए हम रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब दे सोने भविख वास्ते, चंगे भविख वास्ते, जो कि हिस्ट्री गल चलूगी तो साडा भी कितने छोटा मोटा नाम आऊगा कि इतों शुरुआत हुई सी, उस तो बाद पंजाब जोड़ा वो तरक्या दिया पौड़ियाँ चढ़ता गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं सारे प्रेस वाले का धन्यवाद करदा। A South Asian Canadian channel.